नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो 17 जून 2023 को रात्रि 10:47 पे वो वक्री होंगे। कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे, कुंभ राशि में वक्री वो रहेंगे और फिर 4 नवम्बर को मार्गी होंगे, यानी 138 दिन तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि के अंदर। तो ये शनि देश का जो वक्री होना है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम षटबल जानते हैं, और षटबल में हम लोग जानते हैं कि षटबल में से एक बल चेष्टा बल होता है 6 बलों में से। तो जो भी ग्रह वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि षटबल में शनि का वक्री होने से बल बहुत बढ़ गया है। तो जहां पर ये अनुकूल प्रभाव कर रहे थे वहां पर ये बहुत अनुकूल प्रभाव करेंगे, जहां ये प्रतिकूल प्रभाव कर रहे थे वहां पर ये प्रतिकूल प्रभाव करेंगे। वो फर्क इसके अंदर पड़ जाता है। शनिदेव की 7.5 भी चल रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2.5 भी चल रही है। जैसे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है, वृश्चिक और कर्क राशि वालों के लिए 2.5 का प्रभाव रहेगा इन 138 दिनों के अंदर, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। बट लेकिन अपनी कुंभ की राशि में ही ये वक्री हो रहे हैं, और कहते हैं कि अगर कोई ग्रह लगन से स्वयं राशि में ही वक्री हो जाए तो वो इतना बुरा नहीं होता, उसके फल इतने बुरे नहीं मिलते, मिले जुले फल उसके मिलते हैं, तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। शनि जो छोटा मोटा नुकसान करते हैं तो लाभ भी बहुत दे देंगे, उसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके अलावा शनि का जो गोचर है, जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा होता है। तो जिन लोगों की राशि मेष है उन लोगों के लिए बहुत फायदा है, उन लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत फायदा है। वो स्थान लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं, उनका सोशल इंट्रोडक्शन, सोशल मीट में काफी नेटवर्किंग बढ़ सकती है, उनकी रोज इनकम बढ़ सकती है, उनकी डिजायर्स कोई भी हैं तो वो सारी फुलफिल हो सकती हैं। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अंदर जीत जाएंगे, कोई लोन चल रहा है तो वो लोन पूरा हो जाएगा, शत्रु आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो वो शत्रुता करना बंद कर रही है। इसी प्रकार से जो धनु राशियां हैं उनके लिए भी ये वक्रित होना शनि का कुंभ राशि में बहुत अच्छा है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए ये स्थान लाभ का होगा। नई नौकरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो नई नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, आपके मातहत जो लोग हैं उन पे आप ढंग से हक जमा के काम करा पाओगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।